व्यूअर्स, अचानक से जन्नत की फ्रेंड आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो इनकी यहाँ शादी है, तो मैंने कहा चलो आओ लगा दो। तो मैं उसको लगा रही थी मेहंदी, तो मैंने मेहंदी लगाने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ले लूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आराम से दुआओं से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पर आज मैं कपड़े धो रही हूँ, आज बहुत टाइम के बाद लग रही है मशीन में कपड़े धो रही हूँ, बहुत टाइम के बाद। मम्मा ने कपड़े धो धो के हमारी आदत ख़राब कर दी, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए और फ्री भी हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम कपड़े धोएँ। तो अभी मैं उठी सो के, मैं सुबह नमाज पढ़ के फिर दोबारा जाग रही थी, फिर मैं 11 बजे तक सो गई थी दोबारा, और अभी मैं उठी हूँ। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, उठते ही दिल किया मशीन लगाऊं, तो कपड़े लेके जा रही हूँ ऊपर मशीन लगाने। और जो है ना, आज जन्नत मेरा कैमरामैन बनेगी, क्योंकि खुद ब्लॉगिंग करना, खुद सब कुछ करना में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज जन्नत बनेगी कैमरामैन। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इतने सारे कपड़े, अबाएँ तकरीबन 15-20 अबाएँ तो जन्नत के हैं, 4 अबाएँ मेरे हैं, 4 से 5 अबाएँ मेरे हैं, तो टोटल ये सारे अबाएँ, मम्मा के भी 3-4 अबाएँ। तो ये सारा जो है ना, अभी मलबा ऊपर लेके जाएंगे और मशीन वगैरह सेट करते हैं, लगाते हैं, और आप लोगों के साथ भी आज सारी चीज़ें शेयर करेंगे, तो आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा। तो मशीन हो गई है खाली, तो अब मशीन को लेके जाएंगे उधर कॉर्नर पे। साड़ी जिंदगी देवार बलिए, साड़े एरे गेरे देनी परवा बलिए, साड़ी जिंदगी देवार बलिए, साड़े एरे गेरे देनी परवा बलिए। तो व्यूअर्स, सारे कपड़ों की सेटिंग हो चुकी है, और अभी जो है ना, मैंने पाइप भी लगा दिया, और अभी सिर्फ मशीन के अंदर जो है ना पानी भरना है, क्योंकि पानी के बगैर मशीन नहीं लग सकती। ये हमने वहाँ वाल में लगा दिया पाइप, और अभी जो है ना मोटर चलाएंगे और सारी मशीन को फुल करके भरेंगे। उसके बाद जो है ना सर्फ डालेंगे, उसके बाद कपड़े डालेंगे, उसके बाद कपड़े धोएंगे, और जल्दी जल्दी कपड़े धोएंगे, और कपड़े धो लेंगे तो जान छुट जाएगी। और ये देखिए, हमारे ना ये हल्दी का था, ये मम्मा ने ना हल्दी के पौधे लगाए थे, क्या बोलते उसको, हल्दी लगाई थी, तो उसमें से ना ये पत्ते निकले थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, आजकल लोग जल जाते हैं, इंसान बेचारे जल जाते हैं गर्मी की वजह से, ये तो फिर बेचारे पौधे हैं, तो ये सारे गर्मी की वजह से जल चुके हैं। तो अभी जन्नत मोटर चला दो, जल्दी करो मोटर चलाओ। ये हमारा मोटर चल गया, पानी आना स्टार्ट, जल्दी जल्दी पानी भरते हैं और जल्दी जल्दी कपड़े लगाते हैं। व्यूअर्स, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, धूप तो है हल्की हल्की, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है, बड़ा प्यारा मौसम है, मज़े वाला मौसम है, ठंडी हवाएँ चल रही है। तो पानी भरते हैं दोबारा से, पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद फिर मिलते हैं। हे व्यूअर्स, रोशनी में वो बहुत अजीब लग रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, ये व्यूअर्स। तो मशीन लग चुकी है, ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले वाइट वाले कपड़े धुल रहे हैं, और मेरा अबाया, वाइट अबाया तो मैंने ले लिया, 2 दिन में अबाया बिल्कुल जो है ना इतना सा हशर नशर हो गया, 2 दफ़ा पहनी हूँ तो अबाया देखने के काबिल नहीं रहा। तो अभी जो है ना मेरा अबाया और वाइट सूट जो है ना वो धुल रहे हैं। तो व्यूअर्स, जब तक लगी है मशीन, जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे, जब तक मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा के फिर ऊपर आती हूँ। पहले खाना खा लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं पहले खाना खाती हूँ और फिर खाना खा के ऊपर आती हूँ। और आज इरादा है कि मैं जो ना आईब्रोज भी अपने सेट करूँ और फेशियल भी करवाऊँ, क्योंकि गर्मी में जा जाके ना हालत ख़राब हो गई है, रंग बिल्कुल जल गया। मतलब मेहनत से काम सीख लूँगी तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी पड़ी अपनी स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि धूप में निकल के मुझे जो है ना ये क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स इतने हो गए, और मेरा कलर भी काफ़ी ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, मेहनत में अजमत है, मेहनत करेंगे तो फिर पूरी लाइफ पड़ी हुई अपनी स्किन केयर करने के लिए, कोई बात नहीं। बहुत धूप में जाती हूँ और बहुत दूर जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन पर काफ़ी इसका असर पड़ा है, हाथ भी मेरे ब्लैक एंड वाइट हो गए, आधे हाथ ब्लैक और आधे हाथ वाइट। और उसी मैं मार्केट गई थी, मार्केट में मैं ग्लव्स लेने गई थी, ताकि मैं जो है ना ग्लव्स वगैरह पहन के जाऊँ, ताकि कुछ हाथ जिम्मेदार धूप से बच जाए। लगे अब आया होता है, लेकिन फिर भी धूप तो लगती है ना। तो अभी चलती हूँ खाना खा के आती हूँ, खाना खा के फिर जो है ना ऊपर आती हूँ, फिर जो है ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि कपड़े कहाँ तक पहुँचे। ओके, बाय बाय। व्लॉग देखिए, आप तो बिल्कुल भी मत हंसना व्यूअर्स, आज थोड़ा सा मूड अच्छा है, और आज थोड़ा फन फन वाली बातें करने को दिल कर रहा है।
तो नीचे सफाई भी करनी है व्यूअर्स, ये तो मैं भूल गई थी, सफाई भी करना है, सफाई भी करनी है, सफाई का काम भी मेरे जिम्मे। घर में एक जो है ना वो बनना है, क्या लिस्ट बनी है, उसमें जो है ना क्लीनिंग का जो काम है वो मेरे खाते पे आता है। तो खाना वाना खा के फिर सफाई वगैरह सब कुछ करते हैं। पहले जाते हैं खाना देखते हैं कि खाने में क्या बना है। तो खाने में बनी है भिंडी, भिंडी भिंडी बनी है खाने में। तो सबसे पहले खाते हैं खाना, भिंडी और जो है ना प्राउन के साथ जो है ना भिंडी बनी है, लेडी फिंगर एंड प्राउन माय फेवरेट। तो पहले खाना खाते हैं, और जब भूख लगती है तो सारी चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। फ्लैश ऑफ था तो इसलिए नहीं पता चला कलर का, देखिए कितना प्यारा सा कलर है वीवर्स। जिस जिसको खाना है वो आ जाए प्राउन और लेडी फिंगर ट्राई करें और खा के बताएं कि कैसा है टेस्ट। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार टेस्टी सा खाना जो कि जन्नत ने बनाया है और कढ़ाई में बनाया है। जन्नत ने बनाया खाना, जन्नत बनाती है। मेरे खाने की छुट्टियाँ चल रही है आजकल। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। कल से व्लॉग चल रहा है, कल से कपड़े धोते धोते, कल कपड़े धुले नहीं, फाइनली मेरे कपड़े आज धुले क्योंकि कल रात हो गई थी और जन्नत की फ्रेंड आ गई थी रेडी होने के लिए, कुछ शादी पे जाना था तो वो जो है ना मुझसे मेकअप करवाने आई थी। तो फिर मैंने अपना काम काज छोड़ा और मैंने फिर उसकी जन्नत की फ्रेंड को मेकअप किया था, समझ लीजिए मेरे पास क्लाइंट आ गई थी कोई, फिर मैंने उसको मेकअप किया। उसके बाद जन्नत को मैंने मेहंदी लगाई। जन्नत ने मुझे कहा मेहंदी लगा दें, तो मेहंदी लगाने का दिल कर रहा था तो मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था, जन्नत को मेहंदी लगाई, वीडियो में भी मैं बता दूँगी आगे। जन्नत को फिर मेहंदी लगाई, ऐसे करते करते रात हो गई, कपड़े मेरे रह गए। तो ये कपड़े मैंने जो है ना अभी थोड़ी देर पहले वॉश किया, और इस वक्त जो है ना खाना बन रहा है और खाने में आज दीप बना रहे हैं, और बाबा गए हुए आप ही लोग के यहाँ पे, आप ही लोगों से मिल लें। और मैं खाती हूँ, जनक खाना बना रही है, खाने में दीप बना रही है, तो चले चलते हैं। तो ये कुकर में मसाला रेडी हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ गैस का इतना मसला है, इतना मसला है, गैस तो आता ही नहीं है। तो खाना जो है ना हमारा जो है ना प्रॉपर खाना सिलेंडर में ही बनता है, प्रॉपर खाना हमारा सिलेंडर में बनता है। तो अभी जो है ना जन्नत उसमें मसाला ऐड करने लगी है। तो व्यूअर्स मेरी मम्मा पढ़ने जा रही हैं नमाज, मम्मा ने वजू किया है, मम्मा नमाज़ पढ़ने जा रही हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ, और यहाँ पे खाने का व्लॉग बन रहा है और ये मसाला वगैरह ऐड कर दिया है इसके अंदर। अभी जो है ना बीफ वगैरह ऐड कर देंगे। जन्नत मेहंदी आगे करो खाने के साथ साथ मेहंदी। तो व्यूअर्स ये देखिए कि मेहंदी मैंने लगाई है, सही दिखाओ बिल्कुल से परफेक्ट नज़र है। तो ये देखे मेहंदी, मेरी मेहंदी ऐसी है, मैं इस तरह की मेहंदी लगाती हूँ काफ़ी टाइम के बाद। अभी मैंने दोबारा से अपनी जो है ना अपना काम स्टार्ट किया है दोबारा से, तो मैंने बीच में ये काम छोड़ दिया था मेहंदी शेंदी का, लेकिन अब दोबारा से लगाने लगी हूँ मेहंदी। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जन्नत की मेहंदी आप लोगों को कैसी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और कमेंट में माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। तो प्यारे प्यारे मेहंदी वाले हाथों से खाना बन रहा है और खाना बड़ा टेस्टी बनेगा क्योंकि प्यारे प्यारे मेहंदी वाले हाथों से खाना बनने जा रहा है। जल्दी बनाओ खाना, भूख लग रही है, जल्दी करो मैडम, जल्दी करो खाना बनाओ, भूख लग रही है। और आजकल मेरा जो है ना कुकिंग का काम जन्नत पे आ गया, जन्नत कुकिंग करती है, मैं क्लीनिंग करती हूँ, जन्नत खाना बनाएगी, मैं सफाई करूँगी। घर की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हुई हुई है, मम्मी जान पड़ रही है नमाज, तो मैं अंदर लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो ये जो है ना घर का कुछ यूँ सिस्टम हुआ हुआ है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ कि मैंने अपना पूरा मेकअप का सामान इसके अंदर रख दिया, सारा मेरा सामान मेकअप का इसके अंदर, नॉट झंझट नॉट टेंशन। ये अभी फैला हुआ इसकी सेटिंग करेंगे, बाड़ा भी सारा मेकअप का सामान इसके अंदर। ऊपर लेके चलती हूँ, अभी आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है छत पे, तो छत पे लेके चलती हूँ। छत पे ले जाते ये देखें, ये भी दिखा दूँ, बीफ डाल रही है और उसके बाद आलू। तो हम चलते हैं ऊपर मौसम इंजॉय करने। तो घर पे रह के क्या मौसम इंजॉय करना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है, और मुझे बारिश बहुत पसंद है ये तो आप सबको पता है। और ये जो है ना कपड़े हमारे कल करते करते अभी धुले, और ये सारे कपड़े मम्मा डाल चुकी हैं, कपड़े मैंने धोए, मम्मा ने सारे कपड़े डाले, और पूरी छत का यही हाल है, ये देखें कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े। तो व्यूअर्स मैं आ गई ऊपर, और फिर जो है ना मैं जो है ना वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल मिलेंगे एक अच्छी और एक ज़बरदस्त सी और एक बहुत मज़े वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।
चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।